हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आप लोगों को बता दें कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा और कैसा आपका मेडिकल होगा और ऑफिशियल नोटिस में क्या बताया गया है। तो दरोगा भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या ऑफिशियल नोटिस में आया और क्या बताया गया है। तो आप लोगों को हम यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उपरोक्त कार्रवाई कराने हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा। चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की चिकित्सा मैनुअल के अनुसार की जाएगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित किया जाएगा। आपको अभी मैं चिकित्सा मैनुअल पूरा दिखाता हूँ। चिकित्सा परीक्षा परिणाम परिसर के बाद सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है तो अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मंडली चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किए जाने के 2 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मंडली चिकित्सा परिषद में संबंधित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। इसके बाद देख लीजिए, चिकित्सा परीक्षा केवल आयोजितकारी प्रवृत्ति की होगी और श्रेष्ठता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल पासिंग मार्क है। टिप्पणी देख लीजिए, चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा नॉक नी, वी लैक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज, वेंस, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस तथा रीनेज, परीक्षा विवर्स परीक्षा को समाविष्ट करते हुए सिरवट शक्ति परीक्षा की जांच की जाएगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वॉक दोष का आदि परीक्षा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए के अनुसार किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं बोर्ड के विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है। जैसे आप लोगों को नोटिस में होगा वैसा ही आप लोगों का कराया जाएगा मैनुअल के हिसाब से। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, आँख के संबंध में अभ्यर्थियों के आँख की दृष्टि के संबंध में विगत आरक्षी भर्ती के दौरान कतिपय जनपदों में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्रांक DG द्वारा दृष्टि की तीक्ष्णता संबंध निम्नलिखित निर्देश दिए गए। दूर दृष्टि दोनों आँखों में 6/9 अथवा एक आँख में 6/12 हो, दूसरी आँख में 6/6। निकट दृष्टि तो दोनों आँखों में 0.6 व 0.8। आप लोग देख लीजिए आँखों के बारे में, दूर दृष्टि दोनों आँखों में 6/9 होनी चाहिए या फिर एक आँख में 6/12 या दूसरे में 6/6। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस परीक्षण को करना होगा पास। इसके बाद देख लीजिए, उपयुक्त चिकित्सा परिषद द्वारा निर्दिष्ट। इसके बाद आप लोगों को आगे लिए चलते हैं, पूरी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का मापन फिर से होगा, जो DPST में हुआ था सेम वैसा ही होगा। तो यहाँ पे देख लिए, पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई 61 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 61 सेंटीमीटर। सीने की माप जो पहले नापी गई थी 19 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 और फुलाने पर 82। इसके बाद देख लीजिए, सीने का फुलन न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आवश्यक है। इसके बाद देख लीजिए, महिला हेतु न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा अनुसूचित जातियों हेतु न्यूनतम ऊंचाई 52 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 47, जनरल OBC SC के लिए 52, लड़कियों के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम। इसके बाद देख लीजिए, आगे का पूरा दिखा रहे हैं आपको, पुलिस मैनुअल भी दिखाएंगे क्या है मेडिकल मैनुअल में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें चैनल पर। तो आप लोगों को पूरी जानकारी भी देख ली है कि कितने लोगों का मेडिकल होगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु परिचित मुख्यालय जनपद पुलिस कमिश्नरेट के जिला चिकित्सालय पर अन्य तक 50-50 अभ्यर्थियों का एक दिन में बुलाया जाएगा। मतलब एक दिन में 50-50 लोगों का होगा ताकि चिकित्सा परीक्षा गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित ना हो। चिकित्सा परीक्षा में अभ्यर्थियों का छाप अंगुश लिया जाना है तथा परीक्षा से पूर्व फोटो मिलाना करना अपेक्षित है। फोटो मिलान व आवेदन पत्र से अभ्यर्थियों का मिलान प्रक्षेत्र स्तर पर नाविड नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है आपका पुलिस मैनुअल। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष एवं महिला सीधी भर्ती, शारीरिक मानक एवं चिकित्सा परीक्षा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आवेदन पत्र पंजीकरण संख्या यहाँ पे भरी जाएगी, अनुक्रांक भरा जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, उसकी श्रेणी, पिता का नाम, जन्मतिथि, दिनांक, चिकित्सीय परीक्षण केंद्र का नाम, चिकित्सीय परिषद प्रथम द्वितीय अगली। इसके बाद आगे देख लीजिए, भाग प्रथम शारीरिक मानक परीक्षा। तो ऊँचाई सबसे पहले यहाँ पर नापी जाएगी, आपकी हाइट अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणी 168, ST के लिए 160 है, अन्य श्रेणी 161, महिलाओं के लिए अन्य श्रेणी 152 सेंटीमीटर, मतलब OBC SC जनरल के लिए, और ST के लिए 147। इसके बाद सीने की माप होगी सेम ऐसे ही, इसमें OBC SC जनरल के लिए ST के लिए 77 से 82, OBC जनरल SC के लिए 79 से 84,
इसके बाद फुलाव 5 सेंटीमीटर चाहिए। इसके बाद देख लीजिए वजन केवल महिलाओं को चाहिए। इसके बाद सफल असफल कारण शायद। इसके बाद देख लीजिए द्वितीय परीक्षण, यहाँ पे देखिए क्या क्या चेक होगा। नौकनी, आपस में टकराते घुटने, बोलॉक्स, फ्लैट फीट, समतल या तलवे, वेरिकोज वैक्स, उभरी नसें, इसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव भरा जाएगा। स्पीच डिसेबिलिटी, अन्य कोई शारीरिक डिसफॉर्मिटी विकृति, कोई दिक्कत ना हो आपको। इसके बाद देख लीजिए हियरिंग, श्रवण क्षमता में क्या होगा, रिनिज टेस्ट, बेवर्स टेस्ट, वर्टिको टेस्ट। इसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग दूरदृष्टि दोष, आँखों का महंगापन ना हो, वर्णांतरता, कलर ब्रांड ना हो, बाई आँख दाहिनी आँख, औसत इसका दिया जाएगा, दूरदृष्टि बिना चश्मे कितनी है, निकट दृष्टि कितनी है इत्यादि। इसके बाद आगे देख लीजिए चिकित्सीय परीक्षण, उपयुक्त अनुपयुक्त भाग द्वितीय के अनुसार कारण शायद लिखना होगा। संपूर्ण परीक्षा में उपयुक्त अनुपयुक्त भाग प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार कारण शायद लिखेंगे, ये आपको लिखना है, अधिकारी लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए नोट, अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण के उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ही लिखा जाए, अस्थायी अनुपयुक्त तथा अस्थायी अनुपयुक्त ना लिखा जाए। कलर ब्राइटनेस के संबंध में निर्देश पुस्तिका के उपलब्ध शासनादेश को देख लिया जाए। अभ्यर्थी कोई दिक्कत है तो उपयोग अनुपयुक्त लिखा जाएगा, ना कि अस्थायी और स्थायी। अभ्यर्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, अभ्यर्थी का अंगूठा का निशान लगेगा, बायना फिर दायना, फिर यहाँ पे देख लीजिए हस्ताक्षर नाम व मोहर सदस्य चिकित्सा परिषद, हस्ताक्षर नाम व मोहर सदस्य चिकित्सा परिषद, हस्ताक्षर नाम व मोहर अध्यक्ष चिकित्सा परिषद, हस्ताक्षर नाम सदस्य चिकित्सा परिषद, हस्ताक्षर नाम व मोहर सदस्य चिकित्सा परिषद। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, फिर यहाँ पे परिषद स्त्री लिखा है, सेवा मंडली चिकित्सा परिषद को, ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपील करने के लिए है, विषय जनपद चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध मंडली चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील हेतु आवेदन। तो यहाँ पे देख लीजिए महोदय, आज दिनांक इतने से इतने को जनपद की चिकित्सा द्वारा मुझे परीक्षण के मध्य निम्न कमियों का उपयोग घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ओनली 3 ही कारण होंगे, 1, 2, 3 पॉइंट। उक्त संबंध में निवेदन की मिंद जनपद चिकित्सा परिषद द्वारा घोषित उक्त परीक्षण परिणाम से स्पष्ट नहीं हूँ, अतः अनुरोध है कि मेरा चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा परिषद से कराए जाने की कृपा करें। मैं निर्धारित तिथि पर मंडली चिकित्सा परिषद के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करूँगा। देख लीजिए दिनांक, हस्ताक्षर पिता का नाम, क्रमांक, आवेदन पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल अभ्यर्थी के लिए, इस ये नीचे भरा जाएगा पूरा। यहाँ पे नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, सेम मानक ऐसे ही देख लीजिए उपनिरीक्षक नागरिक प्लाटून कमांडर के लिए भी है। देख लीजिए परिशिष्ट 4 में आप लोग पूरा इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, विलेक्स, फ्लैट फिट, वेरिकोज, स्पीच डिसेबिलिटी, अन्य कोई, पूरा हियरिंग, श्रवण क्षमता। तो आप लोग यहाँ पे पूरा देख लीजिए इसको भी, सेम वैसे ही है, आप लोग देख लीजिए इसको भी। तो यहाँ पे देख लीजिए अब लोगों की समस्या हेतु संशोधित, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी।